देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई होनी हो वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस की विचारधारा, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, सबको एक साथ लेने की विचारधारा, जो हमारा अनइक्वल सोशल सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ने की विचारधारा कांग्रेस की है। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहे। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है, ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये लड़ाई आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा। पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते। मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि जिस मणिपुर ने प्रधानमंत्री के दिल में दर्द नहीं पहुंचाया, वही मणिपुर इस मीटिंग में हमारे हर कार्यकर्ता के दिल में दर्द पहुंचा रहा है। कि आपको लग रहा है
हर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को लग रहा है कि भाई हमारे देश में लोगों को चोट लग रही है, लोगों को दुख हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए। अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए, तो मेरा कहना है ये फर्क है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और यह लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है और रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है। भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया, जनता के बीच में जाइए, जनता से गले लगिए, थोड़ा कष्ट उठाइए, थोड़ा दर्द सहिए, और अगर आप ये काम करेंगे तो आप आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेता बनेंगे। अगर आपके दिल में दर्द नहीं है तो आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बन सकते। अगर आपको जो जब मणिपुर को चोट लगी, अगर आपको चोट नहीं लगी तो आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बन सकते। अगर किसी महिला का बलात्कार होता है तो आपके दिल में दर्द नहीं होता तो आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बन सकते। तो जो आपके दिल में जो दर्द होता है उसका कारण आपकी देशभक्ति है कि आप अपने देश से प्यार करते हो। तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो फिर आपको देश से जुड़ना भी पड़ेगा। जुड़ोगे कैसे? जनता के बीच में जाके उनकी कठिनाइयों को समझ के, उनके बीच में रह के, और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से बर्ताव करके। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। और देखिए मजे की बात, देखिए
ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए मोहब्बत की दुकानें खोलिए, और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। मुश्किल समय है, बीजेपी की सरकार है, आप पे आक्रमण करते हैं, डरो मत, खड़े हो जाओ, पीछे मत हटो। मैं आप सबको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने के लिए बधाई देता हूं, और जो आपकी अगली मीटिंग होगी उसमें मैं आपको जूम से नहीं मगर वहां आकर आपसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।